हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, जय आरसीएम। तो आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस में जो हमारी अचीवमेंट होती हैं, पिन हमें मिलते हैं और उनके जो लेवल होते हैं वो कौन कौन से हैं और उन लेवल पर जो इनकम होती है हमारी वो कौन कौन सी है। देखिए, इस टॉपिक को हम तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हमें 32 यानी 32% जो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है उस पर हमारे पिन कौन से और उस पर हमारी मैक्सिमम और कम से कम इनकम हमारी कितनी हो सकती है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे फिर रॉयल्टी जो इनकम होती है हमारी वो क्या है और रॉयल्टी किस किस को मिलती है और उस पर हमारी कितनी इनकम होती है और कौन कौन सी पिन होती हैं। उसके बाद बात करेंगे थर्ड पार्ट में हम टेक्निकल जो हमारा लेवल होता है रॉयल्टी के बाद जो टेक्निकल लेवल आता है उसको कैसे क्वालिफाई करें, यानी कि उसको कैसे क्वालिफाई करके रॉयल्टी से टेक्निकल पर पहुंचना है और उस पर जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है और हमें कौन सी पिन मिलती है और हमारा जो सेलिब्रेशन होता है कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए आज के जो टॉपिक है हमारा आरसीएम अचीवमेंट्स पिन एंड लेवल्स को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल विकास आरसीएम फाइटर टीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन जो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि जिससे हमें हौसला बना रहे और हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है और जो हमारी नॉलेज है वो कैसी लगती है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है आरसीएम अचीवमेंट्स पिन लेवल उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास आज है आरसीएम बिजनेस है जो हमारे पास उसकी जो अचीवमेंट है तो आज हमारे पास है आरसीएम है हमारे पास बिजनेस है जो हमारे पास उसकी अचीवमेंट क्या है और उस पर जो अचीवमेंट आती है उस पर हमारी पिन क्या है और उन पर जो लेवल है वो क्या है और उसके साथ में करेंगे उन पर जो इनकम आती है वो क्या है। देखिए, हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको स्ट्रक्चर को हम अपनी जैसे कि दो टांगे होती है उन पर चलाते हैं, यानी कि दो टांगों पर यूज करते हैं। तो हमारी दो टांगे हैं तो हम आरसीएम बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी टू लेग्स पे चलाते हैं। तो टू लेग्स पे चलाते हैं, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा ग्रुप फर्स्ट, जिसे हम पावर लेग बोलते हैं या ए ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारा होता है ग्रुप सेकंड होता है जिसे ग्रुप बी बोल सकते हैं या हमारी सेकंड लेग भी बोल सकते हैं। ये दो हमारे पास ग्रुप होते हैं, एक पावर लेग होती है ए ग्रुप बोलते हैं जिसे और सेकंड लेग होती है बी ग्रुप बोलते हैं जिसे। उसके बाद होता है हमारे पास जो टोटल हमारा बिजनेस होता है वो होता है टोटल बिजनेस, यानी कि बीवी बिजनेस वॉल्यूम होता है हमारे पास वो होता है, यानी कि टोटल बिजनेस है जो हमारे पास वो होगा। उसके बाद जो हमारे पास पिन जो आएंगी हमारी पिन लेवल आएंगी वो क्या क्या है, जो पिन है हमारे पास वो क्या कौन सा और किस लेवल पर हम हैं। उसके बाद हमारे पास है इनकम, इनकम हमारी क्या है वो बात करेंगे। इनकम हमारी अप्रोक्स रहेगी यानी कि उससे ज्यादा ही रहेगी जो उसके आसपास की इनकम हमारे पास रहेगी। देखिए, इससे पहले हम पिछले हमारे जो कमीशन स्लैब की थी उसमें हमने किया था कि हम कैसे कमीशन कैसे आता है हमारा, तो उसको साथ साथ में भी कर लेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि 100 रूपये से बिजनेस वॉल्यूम से 4999 तक हमें मिलता था 10% मिलता था, ठीक है। और 5000 बिजनेस वॉल्यूम के बाद हमारे पास 12% मिलता था, 10000 बिजनेस वॉल्यूम पे हमें 14% मिलता था, 20000 बिजनेस वॉल्यूम पे 16.5% मिलता था, 40000 बिजनेस वॉल्यूम पे 19% मिलता था, 70000 बिजनेस वॉल्यूम पे 21.5% मिलता था, 1,15 पे हमें 24% मिलता था, 1,15,000 पे 1,70,000 पे हमें मिलता है 26.5%, और 2,60,000 पे हमें मिलता है 29%, और 3,50,000 पे हमें पूरा 32% मिलता है। ये हमारे पास थी हमारी परफॉर्मेंस बोनस तक की कमीशन स्लैब थी। ऐसे ऐसे हमें परसेंटेज पर लेवल पर हमें मिलता है। और अब करेंगे डिवाइड ग्रुपों में कि पावर ग्रुप में हमें कितना बिजनेस होना चाहिए और सेकंड ग्रुप में हमारे पास कितना बिजनेस होना चाहिए। ये था हमारे पास टोटल बिजनेस, उसके हिसाब से हमें पिन कितनी कौन सी मिलेगी और उसके हिसाब से हमें इनकम कौन सी मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो टोटल बिजनेस होता है हमारा वो क्या होता है और उस पर जो हमारे पास पिन कौन सी, इनकम और हमारे पास पावर में कितना होगा और हमारे पास सेकंड में होगा, इसे हम पावर भी बोल सकते हैं।
पावर ग्रुप भी बोल सकते हैं या पावर लेग भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो पिन होती है, सबसे पहले पिन होती है हमारी 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पर पिन होती है हमारी 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पे, जिसमें से हमारे पास 15,000 बिजनेस वॉल्यूम तो हमारे पास पावर में होता है और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारी सेकंड जो लेग होती है उसमें होता है या हमारा सेल्फ का भी इसमें अंदर काउंट हो जाता है। तो देखिए पिन हमारी कौन सी आएगी, बिगनर की हमारी पिन आएगी, बिगनर है जो हमारी पिन, बिगनर की हमारे पास पिन आ जाएगी और बिगनर की जो पिन आएगी उस पे हमारी अप्रोक्स 1000 की यानी कि 1000 की इनकम होगी उसपे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पर हमें क्या मिलेगी, नेक्स्ट पिन मिलेगी, ठीक है। देखिए 30,000 बिजनेस वॉल्यूम तो हमारा होगा पावर का और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा हमारा सेकंड जो हमारी लेग है उसका, ठीक है। ये हमारे पास है स्टार्टर की पिन है हमारे पास, स्टार्टर यानी कि हमने शुरू कर दिया अच्छे से बिजनेस करना और यहाँ पर हमारी अप्रोक्स इनकम हमारी 2,000 रुपए की होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 70,000 बिजनेस वॉल्यूम, 70,000 बिजनेस वॉल्यूम, 70,000 बिजनेस वॉल्यूम तो इसको दोनों ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जो हमारी पावर लैग होगी उसके अंदर, और सेकंड के अंदर आ जाएगा हमारे पास 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। और कौन सी पिन मिल जाएगी हमें, ओपनर की पिन मिल जाएगी, ओपनर की पिन मिल जाएगी और उस पर हमारी अप्रोक्स इनकम होगी हमारी 3,000 यानी कि 3,000 रुपए की इनकम होगी। नेक्स्ट जो हमारी है 1,15,000 हमारा टोटल बिजनेस होना चाहिए खुद का और दोनों लेग्स का मिलाकर, ठीक है। जो हमारा सेल्फ का होता है सेकंड ग्रुप में भी लगता है और वो हमारा पावर में भी लगता है। तो देखिए 1,15 है तो इसके अंदर आप करेंगे 1,15 के लिए हमें पावर में चाहिएगा 85,000 का बिजनेस और सेकंड में चाहिएगा हमें 30,000 का बिजनेस, यहाँ से हमारा 1,15 करोड़ हो जाएगा जहां से हमें मिलेगी ईगल की पिन मिलेगी वहां से, और यहाँ से हमारी इनकम अप्रोक्स के आसपास हमारी 5,000 यानी कि 5,000 जो इनकम हो जाएगी हमारी यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारे पास 1,70 का लेवल, 1,70,000 का लेवल, ठीक है, जिसपे हमें पावर में हमारे पास बिजनेस होता है हमारा 1,30,000 और सेकंड में हमारे पास बिजनेस होता है 40,000 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। ये सभी जो चला हुआ है हमारे पास ये बिजनेस वॉल्यूम है, ठीक है। और हमारे पास जो पिन आएगी वो कौन सी आएगी, रनर की हमारे पास पिन आ जाएगी जिसके ऊपर हमारी अप्रोक्स इनकम हमारी 7,000 रुपए यानी 7,000 रुपीज हमारी होगी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट लेवल है 2,60,000 पर, जिसके अंदर हमारे पास होगा पावर का बिजनेस होगा 2,10,000 रुपए और सेकंड का होगा हमारे पास 50,000 रुपए, जिस पर हमें पिन मिलेगी विनर की पिन मिलेगी, विनर की पिन मिलेगी और यहाँ पे हमारी इनकम होगी अप्रोक्स 10,000 यानी कि 10,000 रुपए, जो एक फैक्ट्री में मजदूर काम करता है उसको 7 से 10,000 रुपए तक मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, जिस पर हमें पावर में हमारा कितना हमारे पास कितना आना चाहिए, 2,80,000 हमें पावर में उसका बिजनेस होना चाहिए और सेकंड में हम होना चाहिए 70,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि हमारे सेकंड में एक ओपनर होना चाहिए जिससे हमारे पास कौन सी पिन आएगी, स्टार की पिन आएगी। स्टार ये होती है हमारी लीडरशिप की पिन होती है जिस पर हमारे पास इनकम होती है अप्रोक्स 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए की हमारे पास इनकम होती है इस तो पर। ये थी हमारी पिन है, कितनी है, 6 पिन 7 पिने हैं हमारे पास जो वाइटल लेवल की पिन है, 7 7 लेवल हैं जिन पर इनकम होती है हमारी 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 और 10,000 और 15,000 यानी कि 1,000 से लेकर 15,000 रुपए तक हमारी जो वाइटल पिन की जो लेवल है उनकी जो इनकम होती है वो होती है हमारे पास, ठीक है। तो आज की जो हमारा टॉपिक था कि हमारे पास जो पिन लेवल है, अचीवमेंट है वाइटल पिन, जो परफॉर्मेंस बोनस होता है हमारा 32% तक होता है, वाइटल पिन जो हमारे पास होती हैं वो कौन सी है, ये हमारे पास थी वाइटल पिन, वाइटल
पिन लेवल्स जो हमारे पास है वो थे और उन पर इनकम कितनी थी वो थी और था कि आप 32% तक परफॉर्मेंस बोनस था हमारे पास 32% तक। वो हमने आज बताया कि कितना 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक हमें 32% मिलता है और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हमारे पास रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर बात करेंगे रॉयल्टी जो इनकम होती है वो किन किन व्यक्तियों को मिलती है और कैसे मिलती है और जो डायरेक्ट सेलर होता है उसको भी क्या रॉयल्टी मिलती है या नहीं मिलती। तो आज हमारे पास थे कि वाइटल पिन थी जो हमारे पास वो कौन सी थी, उन पर लेवल कौन से थे और उन पर इनकम कौन सी थी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में कि रॉयल्टी जो नेक्स्ट पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर बात करेंगे कि रॉयल्टी की जो इनकम होती है वो कैसी मिलती है एक आम आदमी को और एक डायरेक्ट सेलर को मिलती है या नहीं मिलती और किन किन को एक रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।